अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख जी यूनुस भाई, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी शेख, मेरा सवाल योगा पर था शेख। इस पर मुख्तलिफ राय हैं शेख उलमा के, जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स गुजरे थे सऊदी के, उनमें जी कुछ इख्तलाफ भी था शेख। और बहुत से लोग जहालत में बहुत कुछ कर देते हैं शेख योगा के नाम पे, मुसलमानों में भी। इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए शेख, इस पर क्या हुक्म है? जज़ाकअल्लाह। जी शेख, देखिए, योगा के बारे में सवाल है इनका। देखिए, अगर कोई आदमी वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, अब उसको कुछ भी नाम दे, योगा का नाम दे या किसी और चीज का नाम दे, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो चीज मतलूब है हमारी शरीयत के अंदर भी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो तमाम वसाइल, जायज वसाइल इख्तियार करें जिससे जो है आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जहां तक योगा का, जो मुरव्वजा योगा है, जो मारूफ योगा है, उसका सवाल है, तो सही बात यही है कि योगा के बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, उसमें ऐसे इशारे और कनाए हैं जिसमें गैरुल्लाह की परस्तिश, जैसे मिसाल के तौर पर सूरज को नमस्कार करना, सूरज जब तुलु हो रहा हो तो उसको उसके हाथ जोड़ करके ऐसे पोजीशन में बैठना जिस तरह से सूरज की परस्तिश करते हैं। तो ये चीज अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो ये चीज वहीं से आई है। तो आप वो सारे अक्साम योगा के जिनमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, आप उसको मत करें भाई। वर्जिश के लिए हजारों पोजीशन है, आप वो उस तरह से वर्जिश कीजिए जिनमें गैरुल्लाह की परस्तिश जैसी ऐसी कोई चीज ना हो। वरना योगा की बहुत सारी ऐसे, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, जिसमें जो है गैर मुस्लिमीन की मुशाबहत है, आप वो चीजें मत कीजिए। बाकी आप वर्जिश एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम जाइए। अभी तो मौजूदा जमाने में माशाल्लाह ये सारी चीजें इतनी तरक्की कर गई हैं, तरह तरह के आलात हैं, उसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं, आप जिम में भी जा सकते हैं। वर्जिश करने के मुख्तलिफ तरीके जो डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं, उन तमाम तरीकों से आप कीजिए। तो योगा के वो मशहूर तरीके जिनमें गैरुल्लाह की परस्तिश किसी भी किसी ना किसी तरह से मौजूद है, वो जायज नहीं है। बाकी आप वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जी शेख, अब अगर किसी मुसलमान को मैं मिलूं जो इस चीज में मुलविस है, इसमें किसी कंपनी में ऐसे ज्वाइन है जो योगा भी सिखाता है दूसरों को, उनको मैं जाके वाजे तौर पर इख्तलाफी का सब ना बताते हुए बोल सकता हूँ शेख कि नहीं ये हराम है, आप इस चीज से हट जाए करके? यूनुस भाई देखिए, असल में यहाँ पर मुतलक तौर से बात करना मुनासिब नहीं होगा कि हर आदमी जो वर्जिश कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो योगा का वो आसन कर रहा है जिसमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, ऐसी बात नहीं है। हर आसन में या हर तरीके में थोड़ी वो योगा के वो आसन है जिसमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, तो आप मुतलक तौर से बात नहीं कर सकते। उसमें आपको ये तफसील करना जरूरी होगा कि योगा के वो आसन जो इस तरह से मनकूल है या इस तरह से किए जाते हैं जिनमें गैरुल्लाह की परस्तिश है, उसको हम नहीं कर सकते। बाकी एक्सरसाइज के जो दूसरे तरीके आप उसे करें। और किसी को समझाने का तरीका यही है कि भाई देखिए, हमारी शरीयत तौहीद के मामले में बहुत सेंसिटिव है। हमारी शरीयत की दीन की इब्तिदा तौहीद से ही होती है, और चीजों में गुंजाइश निकल सकती है। तौहीद के सिलसिले में हम सेंसिटिव हैं, हम ये बता रहे हैं सबको, दुनिया को, कि भाई हम सेंसिटिव हैं अपने तौहीद के मामले में। इसमें हम कंप्रोमाइज, समझौता या कोई तनाजुल नहीं कर सकते तौहीद के सिलसिले में। तो हर वो चीज जिसमें शायबा भी होगा शिर्क का, हम उससे बचेंगे। और खास तौर से जब हमारे पास उसके हजारों अल्टरनेट मौजूद हैं, तो हमें क्या जरूरत है ऐसी चीजों के करने की जिसमें तौहीद जो है आपका मुलव्वस हो रहा है। जी 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 शेख, वाज़ह